इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रटेशन के ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम जो कि एस बी आई पी ओ मेन्स में पूछा गया था मेमोरी बेस्ड पेपर से क्वेश्चन मैंने लिया है ये बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर आधारित आपका क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना होगा आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हेलो मेरा नाम चंद्रहास है स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों एस बी आई का जो इस बार पेपर हुआ है काफ़ी उसमें डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला डेटा इंटरप्रिटेशन के जैसे प्रॉब्लम्स आते थे उनको ना पूछ करके जो मिसलेनियस वाले प्रॉब्लम्स होते थे उनको डेटा इंटरप्रिटेशन में डाल दिया गया मतलब आपको मिसलेनियस की अगर जानकारी नहीं थी तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन भी सही से नहीं कर सकते थे तो दोनों ही चीज़ों को मिला दिया गया तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था जिन लोगों ने एग्जाम दिया था और यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल किया जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी, भी मेल्स आ रहे हैं तो वहीं से मैंने आपका क्वेश्चन लिया है ये पेपर मेरे ख्याल से प्रिपअप टू फोर सेवन टीम करके कोई वेबसाइट होगी जिसने प्रोवाइड किए हैं क्योंकि वहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ लिखा नहीं था केवल नाम लिखा हुआ था तो अगर उन्होंने ये प्रोवाइड किए हैं तो उनका भी आपको धन्यवाद करना चाहिए और अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड है इसी तरह के क्वेश्चंस रहे होंगे हम देखेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो ये बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर आधारित क्वेश्चन थे आपको पता ही होगा यहाँ पे देखिए दो पाई चार्ट आपको देखने को मिलते हैं एक चार्ट इधर और एक पाई चार्ट इधर और नीचे एक आपको टेबल देखने को मिलती है क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिसिंग भी हैं जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूसडे में स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं लिखा गया है तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल एंड इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन रेस्पेक्टिव डेज मतलब यहाँ पर जो टेबल दी गई है इसमें अलग अलग दिनों में स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी किलोमीटर प्रति घंटा में वो दिखाया गया है और ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए ही सेम है ऊपर जो पाई चार्ट है इसमें क्या दिखाया गया है अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी ध्यान रखिए डिस्टेंस ये तो टोटल डिस्टेंस की बात की जा रही कितनी 150 किलोमीटर और हर एक दिन यहाँ परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो आपको निकालना पड़ेगा जैसे कहूँगा मैं कि मंडे के दिन अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी थी तो आप अठारह परसेंट का निकाल देंगे ठीक है तो वो डिस्टेंस आ जाएगी इसी तरह डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है टोटल एक किलोमीटर है जिसको परसेंटेज वाइज सारे दिनों में बांटा गया है और नीचे आपका क्या है स्ट्री स्पीड ऑफ स्ट्रीम कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं जब आपने बोट एंड स्ट्रीम वाला वीडियो देखा होगा चाहे मेरा देखा हो या कहीं भी देखा हो आपको वो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फिर भी मैंने भी ये वीडियो बनाया था आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है अप स्ट्रीम क्या होता है वो सारी जानकारी मिलेगी अब इसी के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं और देखेंगे कैसे उनको आंसर करना है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे कह रहे हैं कि फ्राइडे में जो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर की थी वो थर्सडे में जो डाउन स्ट्रीम कवर की थी दोनों की डिस्टेंस टाइम क्या है कि ये दोनों का क्या है बराबर है डिस्टेंस नहीं टाइम दोनों का क्या है बराबर है मतलब फ्राइडे में जितना टाइम लगा था अप इस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम जाने में थर्सडे में ही उतना टाइम लगा था तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि टाइम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाना चाहें और यहाँ पे चूँकि अलग अलग दिन भी हैं तो दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे निकाल सकते हैं जैसे फ्राइडे की बात कीजिए तो फ्राइडे और यहाँ पे यू लिखेंगे तो ये क्या बताएगा अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑन कब थर्सडे तो आप इसको टी एच लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम ठीक है तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों टाइम आपके बराबर है और बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्पीड इज कल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और जब टाइम हम, हमको बराबर दे दिया गया तो टाइम के रिस्पेक्ट में फॉमूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो हम डिस्टेंस निकाल लें फ्राइडे की क्या है और थर्सडे की क्या है फिर स्पीड से दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको जो वैल्यूज चाहिए होगी यहाँ पे मिलेगी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है टोटल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज टेन किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे अब देखिए यहाँ पे एक अलग अलग अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड रही होगी स्टिल वाटर में बोट की ये नहीं दिया गया है ठीक है टोटल दे दिया गया है कि टोटल जो स्पीड रही होगी थर्सडे और फ्राइडे को मिला करके वो कितनी रही होगी टेन किलोमीटर पर आवर की रही होगी तो आपको अलग अलग जो यहाँ पे स्पीड है फ्राइडे और थर्सडे को वो निकाल करके उनका रेशियो निकालना है और रेशियो कैसा है थर्जडे टू फ्राइडे के रेशियो में आपको निकालना है तो यहाँ पे हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस निकालनी होगी ओके और यहाँ पे आपको पता होगा अगर आपने पुराना कॉन्सेप्ट आपको ये सब पता होगा स्पीड और डिस्टेंस के बारे में या बोट वगैरह वगैरह के बारे में कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए आपके रिवर है तो रिवर में आपकी यहाँ पे एक नाव चलेगी ठीक है कोई भी ये बोट है तो रिवर के बहने की एक दिशा होती है मान लीजिए रिवर इस तरफ बह रही है ये इसकी दिशा है नदी के बहने की ठीक है इस दिशा में नदी बह रही तो अगर नाव भी इसी तरफ चलती है तो इसको क्या कहा जाता है डाउन स्ट्रीम मतलब ये जिधर स्ट्रीम बह रही है उसी के साथ साथ नाव चल रही है तो यहाँ पे नदी की स्ट्रीम की जो स्पीड होगी और बोट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है अगर अप स्ट्रीम की बात करें मतलब इसकी विपरीत दिशा में अगर नाव चले नदी इस तरफ बह रही है और नाव उल्टा चल रही है तो इस कंडीशन में क्या होगी नाव की गति धीमी हो जाएगी कि नहीं नदी इस दिशा में बहेगी नाव उल्टा चलेगी तो नाव की गति जो होगी वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहते करते हैं दोनों की स्पीड को घटा देते हैं तो हमको जो एक्चुअल स्पीड रहती है वो मिलती है ओके और यहाँ पे जो भी बोट की स्पीड दी जाती है वो हमेशा स्टिल वाटर में दी जाती है स्टिल वाटर मतलब जब नदी में कोई बहाव नहीं होता है तब बोट की क्या स्पीड रहती है फिर उसी स्पीड को आपको जोड़ना रहता है कि अगर वो नदी की दिशा में बह रही है तो उस स्पीड को जोड़ देते हैं नदी के विपरीत अगर बह रही है तो उस स्पीड को घटा देते हैं बस इतना सा प्रॉब्लम होता है अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में बात करें टी एफ यू की तो ये क्या हो जाएगा टी एफ यू के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस कितना था फ्राइडे को तो आप स्ट्रीम डिस्टेंस टोटल कितनी है एक सौ पचास किलोमीटर फ्राइडे को देखिए कितना है चौदह परसेंट है तो आप निकाल लीजिए डिस्टेंस अगर निकालना आपको वैसे तो आसान है क्या करना है आपको एक सौ पचास गुणे में चौदह बटे में सौ वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा सेंस होता है तो आप डायरेक्ट क्या करिए चौदह और पंद्रह का गुणा कर लीजिए आपको तुरंत मिल जाएगा कितना डिस्टेंस रहा होगा जीरो से जीरो वगैरह कट जाते हैं ठीक है थीके? फिर भी नहीं अगर आपको समझ में आता है तो ये जीरो से जीरो काट दीजिए चौदह पंच कितना हो जाएगा सत्तर चौदह एकम चौदह और सात इक्कीस 21, ये दो सौ दस बटे में दस ये कट गया कितना गया इक्कीस किलोमीटर तो ये कितना आ जाता है इक्कीस किलोमीटर बटे में क्या आएगा देखिए अपॉन में स्पीड कितनी होगी तो स्पीड के लिए आपको क्या कंसर्न लेकर चलना है टोटल स्पीड तो आपको दी गई है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की टेन किलोमीटर्स तो हम मान लेते हैं कि जो अप स्ट्रीम की जो स्पीड रही होगी नाव की चलने की वो कितनी रहे होगी एक्स तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी टेन माइनस एक्स हो जाएगी स्पीड ठीक है टोटल दस है एक एक्स एक मान लिया एक टेन माइनस एक्स मान लिया नीचे यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको स्पीड लिखना होगा तो स्पीड क्या होगी तो स्पीड यहाँ पे जैसे आपको अप स्ट्रीम स्पीड मिल रही है एक्स किलोमीटर है और नदी की जो स्ट्रीम की स्पीड है कितनी है वो है यहां पे फ्राइडे में तीन किलोमीटर तो हमको पता है कि जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है घटती है तो ये क्या हो जाएगा x में थ्री। ओके मतलब जो बोट की स्पीड होगी उसमें से तीन किलोमीटर आप कम कर दीजिए क्योंकि उस दिशा से नदी विपरीत दिशा में बह रही है बराबर में इधर करेंगे क्या आ जाएगा देखिए तो थर्सडे को आपको निकालना है अगर इस यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी परसेंट है अठारह गुणे में दो करीब कितना मिल जाएगा छत्तीस किलोमीटर डायरेक्ट वैल्यू बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है टेन माइनस एक्स और यहाँ पे फ्राइडे को अगर आप थर्सडे को स्पीड देखें कितनी आ जाएगी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर तो अब डाउन स्ट्रीम है मतलब नदी के साथ साथ चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाती है बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कुछ कॉमन है तो काट दीजिए जैसे तीन सत इक्कीस हो गया ये बारह बार कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें बारह गुणे में एक्स कितना हो जाएगा बारह एक्स माइनस में छत्तीस बराबर में सात से अगर करना चाहें ये दस और टू पॉइंट फाइव जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा बारह पॉइंट फाइव बारह पॉइंट फाइव गुणे में सात करेंगे कितना जाएगा एट्टी सेवन पॉइंट में फाइव अब ये करना आसान था आपके लिए भी बारह गुणे में सात करेंगे कितना मिलेगा चौरासी फिर सात को पॉइंट फाइव से गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा थ्री पॉइंट फाइव मतलब आधा उसका दोनों को जोड़ दीजिए एट्टी सेवन पॉइंट फाइव मिल गया ओके माइनस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन एक्स अब एक्स वाले को एक तरफ करिए बिना एक्स वाले को दूसरी तरफ तो ये सेवन एक्स इधर आ जाता है थर्टी सिक्स इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बारह और सात उन्नीस एक्स और यहाँ पे सत्तासी दशम दो पाँच में छत्तीस आप हाँ जोड़ेंगे तो पॉइंट फाइव तो यहाँ पे मिलेगा ही सात छः कितना मिल जाएगा सात छः हो जाएगा तेरह आठ और तीन ग्यारह एक बारह एक सौ तेईस दशमलव पाँच अब उन्नीस से आप काटना चाहें तो कितनी बार में कटेगा देखिए उन्नीस गुणे में छः करेंगे कितना मिलेगा एक सौ चौदह मिलेगा कितना बचेगा नौ उन्नीस बचे पंचानवे पूरा कट गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स पॉइंट में फाइव तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स पॉइंट में फाइव तो अगर आप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आप स्ट्रीम स्पीड कितनी है सिक्स पॉइंट फाइव तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी दस में से सिक्स पॉइंट फाइव घटा दीजिए कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव बस ध्यान रखिएगा आप इसको मत कर दीजिएगा बटे में क्यों आप देखिए क्या पूछा गया थर्सडे और फ्राइडे के बीच में रेशियो पूछा गया मतलब ऊपर डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड रहेगी और नीचे अप स्ट्रीम वाली स्पीड रहेगी तो ये रेशियो क्या होगा थ्री पॉइंट फाइव अपॉन में सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट से पॉइंट कट गया और कुछ कट रहा है अगर यहाँ पे देखिए पाँच से काटिए पाँच से पैंतीस और ये तेरह बार में कट जाएगा सेवन एस टू थर्टीन का रेशियो यहाँ पे मिलेगा कौन सा ऑप्शन सही देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है टिक करिए और आगे बढ़िए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप एक बार बोट एंड स्ट्रीम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो देख करके रखिए ताकि आपको आसानी से सारी प्रॉब्लम समझ में आ सकें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं देखिए क्या है लिखा हुआ है ऑन मंडे द बोट टेक्स अ टोटल ऑफ फोर आवर एंड थर्टी मिनट्स टू कवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कह रहे हैं कि मंडे वाले दिन में जो बोट है उसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों कवर करने में टोटल साढ़े चार घंटे लग रहे हैं ठीक है टोटल ये आपको टाइम दिया गया है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बात तो केवल मंडे की हो रही तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दिन को लिखना सही नहीं होगा मंडे की बात हो रही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दे दिया गया फोर आवर थर्टी मिनट इसे आप ऐसे लिख सकते हैं फोर इंस टू वन अपॉइंट टू ठीक है या फिर इसको नाइन बाई टू भी लिख सकते हैं दो चौके आठ एक नौ करके ठीक है आगे पढ़िए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज फोर इंस टू फाइव कह रहे हैं कि रेशियो यहाँ पे दिया गया है किसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड होगी बोट की जो स्पीड होगी उसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में रेशियो क्या दिया गया फोर इंस टू फाइव का फिर क्या करें कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम अगर बोट जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी तो यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या दिया गया है रेशियो दिया गया है तो हम मान लेते हैं एक एक्स वैल्यू जिससे हम गुणा कर लेंगे तो हमको स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मिल जाएगी कितनी फोर एक्स और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी मिल जाएगी की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमको आसानी से जो स्पीड पूछी गई डाउन स्ट्रीम की वो मिल जाएगी तो ये हमको निकालना है टी यू प्लस टी डी बराबर में नौ बटे दो तो टीयू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन में स्पीड तो टीय आप देखें मंडे को कितना है तो अठारह परसेंट है किसका एक सौ पचास किलोमीटर का तो 150 किलोमीटर का 18 परसेंट आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा अठारह कम अठारह अठारह पंचानब्बे 18 में नौ जोड़ेंगे कितना मिलेगा 27 तो ये मिल गया 27 किलोमीटर बटे में क्या लिखेंगे आप स्ट्रीम जा रहे हैं तो 4x लिखेंगे और आपको पता है आप स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड घटती है तो मंडे को देखें स्पीड कितनी है तीन किलोमीटर है तो माइनस कर लिया प्लस यहाँ पे देखिए टी डी की वैल्यू निकाली को कितनी है पंद्रह परसेंट किसका एक सौ अस्सी परसेंट का तो वही वाली बात हो गई पंद्रह और अठारह का यहाँ भी गुणा होगा तो यहाँ भी इस यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सत्ताईस किलोमीटर बटे में हम क्या करेंगे फाइव एक्स लेकिन अब यहाँ पे तीन किलोमीटर को जोड़ देंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं बराबर में कितना आ गया नौ बटे दो x की वैल्यू क्या यहाँ से निकल सकती है आसानी से निकल सकती है सत्ताईस देखिए कॉमन निकाल सकते हैं आप यहाँ से सत्ताइस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ के नौ से कट जाएगा यहाँ के नौ से कट जाएगा तो ये आपका तीन बार कट जाएगा तो वैल्यूज़ क्या बनेंगी यहाँ पे या बचेंगी एक बटे में फोर एक्स माइनस थ्री प्लस में एक बटे में फाइव एक्स प्लस थ्री और बराबर में यहाँ वाला जो तीन होगा वो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा नीचे एक बटे छः हो जाएगा मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ सत्ताईस सौ सत्ताईस कॉमन लिया उससे काट देंगे जो सत्ताईस कॉमन आएगा तीन बार में ये तीन इधर आएगा तो नीचे गुणा हो जाएगा अब क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों का एल्सियम ले सकते हैं और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसके हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी होगी तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए आप एल्सियम लेंगे तो ये दोनों गुणे में ही आएंगे तो फोर और फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी स्क्वायर प्लस में ट्वेल्व माइनस में फिफ्टीन माइनस में नाइन और ये ऊपर क्या हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस में फोर एक्स माइनस थ्री बराबर में वन पॉइंट सिक्स थ्री से थ्री कट गया कुछ और जुड़ रहा है पाँच और चार नौ एक्स हो जाएगा चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं नाइन एक्स और और तो कुछ बचेगा नहीं नीचे, नीचे क्या बचेगा बीस एक्स स्क्वायर प्लस बारह और पंद्रह घटेंगे कितना हो जाएगा माइनस में थ्री एक्स माइनस नौ बराबर में एक बटे छः क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा बीस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन और नौ गुण छः कितना चौवन एक्स चौवन इधर आएगा तो सत्तावन हो जाएगा बीस एक्स स्क्वायर चौवन इधार आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस फिफ्टी सेवन एक्स माइनस नाइन टू जीरो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है माइनस नौ है और ये बीस है गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये आपको मिलेगा माइनस में एक सौ अस्सी और आपको इस एक सौ अस्सी को इस तरीके से तोड़ना है कि क्या मिल जाए फिफ्टी सेवन एक्स यहाँ पे आपको मिल जाए तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं अब आपके ऊपर ये सारी जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको पहले बताया आगे अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं बस इसके फ्रैक्शन आप देख लीजिए क्या हो सकते हैं जिसके आधार पर आपको यहाँ पे माइनस फिफ्टी सेवन मिल जाए तो ऐसे ही सोचिए साठ गुड़े में तीन कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो हमको एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस साठ लेनी पड़ेगी और ये तीन लेनी पड़ेगी ताकि गुणा करें तो माइनस एक सौ अस्सी आए और घटाएँ तो माइनस फिफ्टी सेवन आए ओके फिर हम क्या करते थे फिर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोविशेंट होता था उससे भाग दे देते थे, थे तो ये हो जाएगा बीस और ये भी कितना हो जाएगा बीस आखिरी स्टेप क्या होता था कि जो भी साइन है उनको अपोजिट कर लेते थे प्लस माइनस में आए प्लस हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा तो यहीं से आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये जो माइनस में वाली वैल्यू है ये स्पीड के लिए तो आप कंसीडर कर नहीं सकते हैं काट दीजिए बीस तिया साठ हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई तीन एक्स की वैल्यू तीन में लगी यहाँ पे रख दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बारह और ये कितनी हो जाएगी पंद्रह और आपको बताना क्या था केवल डाउन स्ट्रीम स्पीड बताना था तो कितनी आ गई पंद्रह किलोमीटर पर आवर तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया टिक करिए और आगे बढ़िए मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे करना है काफी आसान था लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर इसके पता होने चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए देखते हैं क्या है फिर लिखा हुआ है ऑन ट्यूजडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज एटीज टू थ्री ऑल्सो डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज फाइव किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितनी है एटीज टू थ्री है और कह रहे हैं कि स्पीड का जो डिफरेंस है वो दिया गया है पांच किलोमीटर प्रति घंटा इनके बीच का डिफरेंस है इफ द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज ट्वेल्व आवर ऑन ट्यूजडे देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अब आपको ट्यूजडे को यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू ये तो पता है नहीं यही आपको निकालने को कह रहा है कहेंगे टोटल टाइम कितना लेता है मतलब टी यू प्लस टी डी ये कितना है बारह घंटे का ठीक है तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी चलिए देखते हैं कैसे करेंगे अब आपको ये पता है कि ये आपको रेशियो दिया गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हम ले सकते हैं एट एक्स और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी ले सकते हैं थ्री एक्स और कह कह रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है यह है पाँच किलोमीटर तो अगर एट एक्स में से थ्री एक्स घटाएंगे तो कितना मिलेगा फाइव एक्स और इसकी वैल्यू कितनी दी गई पाँच किलोमीटर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक किलोमीटर तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एस यू की स्पीड कितनी है आठ किलोमीटर Yeah. Sure. और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है तीन किलोमीटर क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक से ही गुणा होगा ओके अब आपको ट्यू प्लस टी डी की वैल्यू पता है कितनी बारह किलोमीटर अब ट्यू आप निकाल लीजिए कब की बात हो रही है ट्यूजडे की तो ट्यूजडे में देखिए कितना है बारह परसेंट है ट्यूजडे में किसका एक सौ पचास किलोमीटर का बारह अब गुणे में पंद्रह करेंगे तो कितना मिलता है अठारह किलोमीटर तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अठारह बटे में नीचे क्या जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है आठ तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी ले लेते हैं चलिए ले लेते हैं वाई तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम है बराबर में ये बराबर नहीं है प्लस होगा प्लस टी की वैल्यू कितनी होगी तो यहाँ पे देखिए ट्यूजडे को कितना है पच्चीस परसेंट किसका एक किलोमीटर का तो आप क्या करिए एक बटे चार कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा चार चौक सोलह चार पंचे बीस पैंतालीस किलोमीटर आ गया बटे में क्या हो जाएगा ये वैल्यू कितनी है थ्री है तो ये थ्री प्लस वाई बराबर में कितना आ गया बारह आ गया बस इसको भी आपको कैलकुलेट करना है आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं नौ कॉमन ले सकते हैं तो नौ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे बचेगा नौ दुनिया अठारह माइनस में आठ माइनस वाई प्लस में ये कितना हो जाएगा पाँच बटे में थ्री प्लस वाई और यहाँ पे जो नौ कॉमन लिया था वो कितना हो जाएगा बारह बटे में नौ इधर आ जाएगा ये तीन चौके बारह तीन तिया नौ चार बटे तीन हो गया अब क्या करिए एलसीएम लीजिए गुणा भाग कर लीजिए आपको आंसर वाई की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से तो चलिए लेते हैं एलसीएम अगर ले लें ले इसका तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा दोनों का गुणा हो जाएगा तो डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं तो आठ तिया कितना हो जाएगा चौबीस प्लस आठ वाई माइनस तीन वाई माइनस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू वाई प्लस चालीस माइनस पाँच वाई बराबर में चार बटे तीन इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए जो जो जुड़ जो रहा है उसको जोड़ लीजिए जो घट रहा है उसको घटा लीजिए चालीस और छः जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा छियालीस और माइनस पाँच और दो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में थ्री तो ये माइनस में थ्री वाई प्लस फोर्टी सिक्स हो गया फोर्टी सिक्स बटे में नीचे क्या हो जाएगा इसको आप ऐसे लिख लीजिए माइनस में वाई स्क्वायर और ये आपका मेरे ख्याल से एट वाई होगा प्लस में एट वाई होगा एट वाई में से थ्री वाई चला जाएगा तो प्लस में पाँच वाई बचेगा प्लस चौबीस और ये कितना हो जाएगा चार बटे तीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा माइनस में नाइन वाई और छियालीस और तीन कितना हो जाएगा चारतियाँ बारह छतियाँ अट्ठारह कितना हो जाएगा एक सौ अड़तीस ऐसे ही आपको गुणा करना है और यहाँ पर माइनस में फोर वाई स्क्वायर प्लस में बीस वाई प्लस में चौबीस गुणे में चार कितना हो जाता है छियानवे अब आप क्या करिए कि माइनस फोर वाई स्क्वायर ये सारी जो वैल्यूज है उसको एक तरफ लिख लीजिए ताकि आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल सके प्लस में ओके okay. तो हम क्या करते हैं इसको लिखेंगे दूसरी तरफ अगर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर और बीस वाई इधर है और इधर कितना है माइनस में नाइन वाई तो बीस वाई इधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में ट्वेंटी नाइन वाई यहाँ पर नाइन्टी सिक्स है ये इधर आएगा तो वन थर्टी एट में से माइनस हो जाएगा तो आठ में से छः जाएगा तो कितना बचेगा दो बचेगा फिर यहाँ पे कितना था नाइन्टी सिक्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरह में से नौ जाएगा तो कितना बचेगा चार बचेगा ये किस में वैल्यू आएगी प्लस में बराबर में जीरो फिर आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गया फोर वाई स्क्वायर माइनस में ट्वेंटी नाइन वाई प्लस में फोर्टी टू बराबर में जीरो बस इसको सॉल्व करना है आगे का काम आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं मतलब इतना कोई कठिन काम आप रहने गया है तो इसको आप सॉल्व कर कैसे कर सकते हैं बयालीस को चार में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं आप इसको चार को क्या लिख सकते हैं दो गुणे दो बयालीस को क्या लिख सकते हैं सात गुणे छ को तीन गुणे दो ऐसे कर लीजिए अब कुछ भी यहाँ पे करके माइनस में ट्वेंटी नाइन आपको लाना है लेकिन गुणा करने पे प्लस में वैल्यू आनी चाहिए तो यहाँ पे देखिए सात यहाँ इक्कीस हो जाए और ये दो गुणे दो गुणे दो, गुणे, दो कितना हो जाएगा आठ इक्कीस और आठ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा उनतीस और गुणा करेंगे तो एक सौ बासठ वही वाली वैल्यूज तो एक्स की हमको क्या क्या फ्रैक्शन मिलते हैं देखिए दोनों नेगेटिव में लेने होंगे तभी आपका गुणा करने में पॉजिटिव आएगा तो एक आया माइनस ट्वेंटी वन और एक आता है माइनस में एट फिर आखिरी काम क्या होता है कि हम यहाँ पे जो कॉफिशियंट होता है स्क्वायर वाला उससे डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड कर दिया फोर से इसको भी डिवाइड कर दिया फोर से ये टू टाइम्स चला जाएगा और ये आपका फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव टाइम्स आपका जाएगा माइनस में रहेगी दोनों वैल्यू फिर लास्ट काम क्या करेंगे इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये भी आपका प्लस और ये भी आपका प्लस तो एक वैल्यू आपको क्या मिल जाती है एक वैल्यू मिलती है फाइव पॉइंट टू फाइव और एक वैल्यू मिलती है दो x की ये आपको दो वैल्यूज़ मिल रही हैं तो 5.25 वाली वैल्यूज़ को तो हम कंसीडर कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते हैं? प्लस में है फिर भी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम देखिए कितनी थ्री किलोमीटर्स तो अगर नदी की स्पीड आपकी 5.25 होगी तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी कम कैसे हो सकती है इसको तो और ज़्यादा होना चाहिए था इस लिहाज से ये वाली स्पीड तो नहीं ले सकते तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो आ गई तो दो आपको मिल जाती है एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है टू किलोमीटर्स ये हम कंसिडर करेंगे ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा टिक करिए और आगे बढ़िए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ऑन वेडनेसडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज फाइव इज टू फोर मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे स्पीड दिया गया है बोट की फाइव इज टू फोर जैसा अभी हम कह रहे थे अप स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी ये फाइव एक्स हम मान लेंगे इस एच डी कितनी मान लेंगे डाउन स्ट्रीम की फोर एक्स क्या नहीं कि डिफरेंस बिटवीन द टाइम टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज टेन आवर्स ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे आप फाइव एक्स माइनस फोर एक्स नहीं करेगी ये स्पीड है और यहाँ पे डिफरेंस किसका दिया गया टाइम का मतलब ये दिया गया है टी यू माइनस टी डी कितना है टेन आवर्स का है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपको टोटल टाइम बताना है मतलब आपको क्या बताना है आपको बताना है टी यू प्लस टी डी ये कितना होगा टोटल टाइम ये तो डिफरेंस दिया गया दस घंटे का तो टोटल कितना घंटे लगा होगा ये आप निकाल लेंगे तो कैसे निकालना है आपको जो इंसेंसियल चीज़ें वो सारी तो पता ही हैं जैसे यहाँ पे डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं वेडनाश को क्या रही होगी वेडनाश दे को देखिए कितना है छब्बीस तो आप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा पंद्रह से गुणा कर दीजिए पंद्रह छक्के कितना हुआ नब्बे पंद्रह दूनी तीस तीस उनतालीस तो कितना गया उनतालीस किलोमीटर तो उनतालीस बटे में अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है फाइव एक्स वेडनस डे के लिए हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम देखें तो कितनी आ जाएगी दो तो इसको हम घटा लेंगे माइनस में टी डी कितना आ जाएगा वेडनसडे दे को देखिए तो वेडनसडे दे यहाँ पर टेन दिया गया मतलब एक का टेन मतलब अट्ठारह किलोमीटर बटे में ये कितना हो जाएगा फोर 4X. 4x और यहाँ पे वेडनर्सडे को कितना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर और ये कितना है 10 घंटे बस इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं तीन यहाँ पे ऊपर कॉमन ले सकते हैं क्या हाँ ले सकते हैं तीन कॉमन तो बचेगा क्या है? यहाँ पे तीन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा तेरह बटे में पाँच एक्स माइनस में टू माइनस में क्या बचेगा छः बटे में फोर एक्स प्लस टू और ये जो तीन कॉमन लिया था इधर आ जाएगा दस बटे तीन हो जाएगा फिर से वही काम आपको क्या करना है इन दोनों को एल्सियम ले, ले लेना है मतलब गुणा कर लेना है पाँच गुणे में चार कितना हो जाएगा बीस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा पाँच धुनी दस एक्स माइनस एट एक्स माइनस में फोर और क्रॉस में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा बावन एक्स प्लस छब्बीस माइनस में तीस एक्स प्लस में बारह बराबर में कितना गया दस बटे तीन जो चीज़ें जुड़ गई उनको जोड़ लीजिए बावन एक्स और ये तीस एक्स घट जाएगा आपस में कितना बचेगा तो ये बचेगा बाईस एक्स तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाईस एक्स छब्बीस और बारह जुड़ जाएगा कितना बचेगा अड़तीस बटे में क्या बचेगा देखिए बटे में है बीस एक्स स्क्वायर दस और आठ घट जाएंगे कितना बचेगा टू एक्स माइनस में फोर और ये क्या हो जाएगा दस बटे तीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा छाछठ एक्स प्लस में छः एक्स और ये जब आप गुणा करेंगे अड़तीस और तीन का तो ये हो जाएगा एक सौ चौदह और यहाँ पे क्या बचेगा दो सौ एक्स स्क्वायर माइनस में बीस एक्स माइनस में चालीस अब आप क्या करिए कि जो ये वाला पोर्शन है इसको दूसरी तरफ लेके जाइए ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो घट जाएँ तो यहाँ पे जो छाछठ एक्सा है और यहाँ पे क्या है बीस एक्स ये मेरे ख्याल से माइनस में नहीं प्लस में होगा क्योंकि दस एक्स आपका बड़ा है ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये छोटी छोटी गलतियों से बचेगा ये आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा छियालीस एक्स बचेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दो सौ एक्स स्क्वायर माइनस में छियालीस एक्स एक सौ चौदह इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा चालीस जुड़ जाएगा उसमें कितना हो जाएगा माइनस में एक सौ चौवन बराबर में जीरो दो से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा हंड्रेड एक्स माइनस में ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस में सेवेंटी सेवन बराबर में जीरो बस अब आपको इनके फ्रैक्शंस निकाल लेने हैं सेवेंटी सेवन कितना है हंड्रेड है तो कैसे करेंगे तो आप यहीं से देख लीजिए हंड्रेड और इंटू सेवनटी सेवन कितना हो जाएगा सेवेंटी सेवन हंड्रेड हो जाएगा फ्रैक्शन क्या करना है आप इसको हंड्रेड और सेवेंटी सेवन कर लीजिए घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको तेईस मिल जाना है लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस तेईस इसलिए हंड्रेड की वैल्यू माइनस में लेनी होगी और सेवेंटी सेवन की प्लस में तो एक्स की क्या दो वैल्यूज़ मिलती हैं एक तो मिलती है माइनस में हंड्रेड और एक मिलती है सेवेंटी सेवन फिर हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन से भाग दे देते हैं तो इसको भाग दिया सौ से इसको भाग दिया सौ से आखिरी काम जो साइन रहते हैं उनको आ, अपोजिट कर लें तो ये प्लस में जाएगा ये माइनस में तो ये माइनस में हो गया स्पीड के लिए तो ये तो चला ही गया इसका कोई काम नहीं बचा ये प्लस है तो सौ से सौ कट गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक आ गई एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई वन मिल गई अब एक्स की वैल्यू वन मिल गई आपको तो आप एक्स की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए ठीक है यहाँ पे माइनस है डिफरेंस होता रहा है हमको टी यू प्लस टी डी निकालना है तो बाकी सारी चीज़ें तो एक ही रहेंगी बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस तो देखिए यहाँ पे अगर आप रखते हैं ये कितना हो जाएगा कहाँ पर लिखू मैं चलिए यहाँ पर लिखता हूँ उनतालीस बटे में पाँच माइनस दो कितना हो जाएगा तीन एक रखना है ना एक्स की जगह पे प्लस में अठारह हो जाएगा अठारह बटे में चार गुणे में कितना हो जाएगा चार प्लस दो कितना हो जाएगा छह ये तेरा हो जाएगा तेरह तैतालीस ते छह अठारह तेरह और तीन कितना हो जाएगा तेरह प्लस तीन कितना हो गया सोलह आवर्स कौन सा ऑप्शन सही होगा ई वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है सोलह घंटे टोटल लग रहे हैं और डिफरेंस कितना है दोनों का देखिए तेरह और तीन को घटाइए तो कितना आएगा दस घंटे का डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इसको करना था ओके तो केवल कॉन्सेप्ट आपके जो स्पीड एंड बोट वाले हैं वही आपके लग रहे हैं तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सही समझ में आ गया है तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ज़्यादा है मतलब क्वेश्चन आसान हो सकता है लेकिन उसको निकालना आंसर को उसमें आपको टाइम लग रहा है यहाँ पे तो अपनी स्पीड को अगर आप बढ़ा के रखेंगे तो कर सकते हैं क्वेश्चंस को चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज ट्वेल्व आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे कह रहे हैं कि थर्सडे को अगर हम अप स्ट्रीम से कवर करते हैं किसी डिस्टेंस को तो उसमें हमको 12 घंटे अधिक लगते हैं अगर उस डिस्टेंस को हम डाउन स्ट्रीम में फ्राइडे को कवर करते हैं तो मतलब दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस दिया गया है टी और टी के डिफरेंस दिया गया है बारह घंटे आगे कह रहे हैं टोटल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज इलेवन फ्राइड किलोमीटर पर आवर मतलब यहाँ पे बोट के बारे में बात कर रहे हैं कि बोट की इस स्पीड स्टिल वाटर में थर्सडे और फ्राइडे को कितनी है टोटल 11 किलोमीटर तो आपको निकालना क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट यहाँ पर भी बोट स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे ये आपको रेशियो निकालना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कुछ उस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो इसको आप एज आ होमवर्क के तौर पे लीजिए करके देखिएगा और बताइएगा कितना टाइम लगा है इस क्वेश्चन को करने में शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिए कितना टाइम आपको लगता है इस क्वेश्चन को करने में वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर मैं अभी ही बता देता हूँ डी वाला ऑप्शन इसमें है फाइव इंस टू सिक्स का रेशियो आता है और देखिए कितना समय आपको लगता है ये सही आंसर निकालने में ठीक है तो स्टूडेंट बस इतना ही आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कितना सही था कितना गलत था इस पर मत जाइएगा देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से अगर आए तो आप कैसे कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था मैं किसी एक का नाम लेता इस क्वेश्चन के लिए तो शायद गलत होता बहुत सारे लोगों ने इसको भेजा था मुझे तो बहुत सारे लोगों का उन सबका धन्यवाद आप ऐसे ही भेज सकते हैं मुझे क्वेश्चन जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आए एग्ज़ाम में तो कैसे इनको सॉल्व करना है अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगे वीडियोस की और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी और भी वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पर मिलेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कमेंट में भी मिल जाएगा आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें तो इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव लेव डे एंड बाय